आज हम पाठ एक आकाश दर्शन, उस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को ग्रिड गेम के माध्यम से रिकॉल करेंगे। उसके लिए मैंने जमीन पर ये ग्रिड बना लिया है। 16 खानों का ये बॉक्स है और इसमें प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। प्रश्न हमने कॉपी में इस तरीके से लिख के रख लिए हैं, बुक से छांटे हुए छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनके उत्तर स्टूडेंट वन बाई वन करके आएंगे और मैं जो प्रश्न बोलूंगी उनके आंसर पर वो हॉप हॉप करके जाएंगे या चल के जाएंगे। अगर वो आंसर दूर होगा तो चल के जाएंगे, कूदेंगे नहीं। और ध्यान रखेंगे कि शब्दों पर उनके पैर ना आए, लिखे शब्दों से दूर उनका पैर रहे, नहीं तो वे आउट हो जाएंगे। और साथ में प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे। सभी बच्चे तैयार हैं खेल खेलने के लिए? यस। चलो बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले आएंगी निधि। अब मैं इनको प्रश्न बोलूंगी, उसी आधार पे वे ग्रिड में जाएंगी। हमारा प्रश्न नंबर एक है, सबसे बड़ा ग्रह। आप उत्तर भी बताओ बेटा, सबसे बड़ा ग्रह, और देखिए ग्रिड में वो कहाँ लिखा है, वहां तक जाइए। उत्तर बताइए, सबसे बड़ा ग्रह। वेरी गुड। अब आइए आप बृहस्पति तक कहाँ लिखा है देखिए। वेरी गुड। आउट, अगर गलत करोगे ना तो आउट हो गए। अब हमारा अगला प्रश्न है, सबसे सुंदर ग्रह बताओ बेटा। उत्तर शुक्र। गलत है बेटा आपका उत्तर। बताओ बच्चों, सबसे सुंदर ग्रह कौन सा होता है? शनि। आप आउट हो गए बेटा। चलो अब कौन आएगा? हाँ चलिए प्रिया यादव। सबसे सुंदर ग्रह, आप यहीं पे खड़े होइए बृहस्पति पे जहाँ वो छोड़ी है। अब वहां से आप उत्तर बताइए, सबसे सुंदर ग्रह कहाँ है देखिए, और आप जाइए उत्तर बताओ। हाँ जाइए, कहाँ है शनि? वेरी गुड। अगला प्रश्न सुनिए, भोर का तारा। उत्तर बताइए पहले, भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र। वेरी गुड। देखो कहाँ लिखा है, आप आइए ग्रिड में। अगला है, एक प्राकृतिक उपग्रह। उत्तर बताइए, चंद्रमा। वेरी गुड, आइए वहां तक, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, लंबी पूंछ, लंबी चमकदार पूंछ वाला आकाशीय पिंड। धूमकेतु। कौन बताया उत्तर? बताओ बेटा। हाँ ताली बजाओ सब उत्तर के। धूमकेतु। आप आउट हो गए बेटा, धूमकेतु पे खड़े हो। देखो कहाँ है, कौन आ रहा है अगला स्टूडेंट? सीमा, चलो आप आओ। सीमा, अच्छा चलो शरद आप आओ, आप सही उत्तर बताए, धूमकेतु। अच्छा कोई बात नहीं, धूमकेतु नहीं लिखा है इसमें, कोई बात नहीं। प्रश्न हमारे पास ज्यादा, आप वहीं खड़े रहो, मैं अगला प्रश्न आपको बोलती हूँ। उत्तर दिशा में अटल तारा। उत्तर दिशा में अटल तारा, उत्तर बताओ। उत्तर दिशा में स्थित अटल। हाँ वेरी गुड, ध्रुव तारा में जाओ। प्रश्न ध्यान से सुनना, लाल ग्रह मंगल। वेरी गुड, देखो कहाँ है मंगल। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। वेरी गुड, वरुण पे आओ। दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह अरुण। वेरी गुड। 76 वर्षों बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु याद आया? हाँ बोलो, हेली। हाँ गलत बोल दिए थे, हेली। देखो कहाँ है जाओ। अद्वितीय ग्रह पृथ्वी। वेरी गुड, जाओ। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध। वेरी गुड, जाओ। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य। वेरी गुड, आओ। सबसे चमकीला तारा साइरस। साइरस, देखो कहाँ है जाओ। ताली बजाओ भाई इनके लिए। सिपाही, सिपाही की आकृति का तारामंडल तारु। देखो कहाँ लिखा है। वेरी गुड। तारों का समूह क्या कहलाता है? वेरी गुड, चलिए आइए कहाँ लिखा है तारामंडल। भोर का तारा। वेरी गुड, चलिए आइए शुक्र पे। अद्वितीय ग्रह पृथ्वी। हाँ जाइए। वह ग्रह जिस पर जीवन की खोज चल रही है मंगल। वेरी गुड। अच्छा मैं एक दो प्रश्न आपसे पूछूंगी, आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर सही दिए। आप बताइए पृथ्वी को हम अद्वितीय ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर मिट्टी पानी प्रकाश सब चीज की। हाँ है ना, तो वहाँ पर जीवन संभव है। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं बेटा? शुक्र। क्यों कहते हैं उसको भोर का तारा? क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाले रोशनी को 3/4 भाग पर परावर्तित करता है। बच्चों ध्यान से सुनो, जाओ शुक्र में जाओ, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है और चमकता कैसा तारे के जैसा, इसलिए इसको भोर का तारा है, संध्या का तारा कहते हैं। हर ग्रह पे सूर्य की रोशनी पड़ रही ना, क्योंकि ग्रह क्यों प्रकाशित है सूर्य की रोशनी से, और वो जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है, इसलिए वो चमकता है। अब सबसे सुंदर ग्रह शनि। हाँ क्यों है भाई शनि सबसे सुंदर ग्रह? क्योंकि शनि पर तीन वलय है। हाँ शनि पर तीन वलय के कारण सबसे सुंदर। चलो देखो कहाँ है शनि, जाओ। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। हाँ चलो आओ वरुण में। वरुण सबसे ठंडा क्यों है? क्योंकि वो सूर्य से अधिकतम दूर है। वेरी गुड, सब क्लैपिंग करो भाई शरद के लिए। आप लोग को ये गेम कैसा लगा बच्चों? इससे आप लोग को क्या क्या सीखने मिल रहा है? पाठ के सारे ग्रहों के नाम अच्छे से याद हो गए आप लोग को, पाठ के छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्रश्न MCQs के रूप में याद हो गए,
चल गया कोई भी चीज का कारण क्या है, जैसे अगर और कोई आपसे पूछे पृथ्वी अद्वितीय ग्रह क्यों है तो आप बता पाओगे? सभी बोलो हाँ। सभी बता पाओगे हाँ। चलिए ठीक है, अब हम रोल प्ले के लिए अगली तैयारी हमारी रहेगी, अगला हमारा रोल प्ले।